नमस्कार, टेक्निबोट के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। कंप्यूटर जीके के इस तीसरे एपिसोड में आज हम फिर से कंप्यूटर से संबंधित जनरल नॉलेज के 10 बहुत ही अद्भुत, रोचक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे। इन सवालों के साथ हम आपको 3 ऑप्शंस या विकल्प भी देंगे, जिनमें से किसी एक सही उत्तर को आपको चुनना है और कमेंट करके हमें बताना है। सवाल जवाब की इस कड़ी में आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड का समय भी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, हम हर सवाल और जवाब को एक्सप्लेन भी आपको करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह जीके क्विज या सवाल जवाब आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही साथ मनोरंजक भी होंगे। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले सवाल पर। वर्ल्ड वाइड वेब पर अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी कौन सी भाषा आती है? ऑप्शंस हैं हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज। का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है चाइनीज। जी हाँ, इंटरनेट में उपयोग की जाने वाली शीर्ष 5 भाषाएं हैं अंग्रेजी। यहाँ पे जो संख्या दर्शाई गई है 1105, यह वास्तव में यूजर्स की मिलियन में संख्या है। तो अंग्रेजी सर्वप्रथम, उसके पश्चात चाइनीज, चाइनीज के बाद स्पेनिश, फिर अरबी और पोर्तुगीज है। एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, सभी इन 10 इंटरनेट भाषाओं में शामिल है। अगला सवाल है, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल, जिसे आप बहुत भली भांति जानते हैं, का नाम गूगल शब्द से लिया गया है। इस शब्द का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं सर्च करना, क्रॉल करना, या एक के बाद 100, शून्य, द न्यूमरल 1 फॉलोड बाई 100 जीरोस। समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है एक के बाद 100, शून्य। 1996 में लैरी पेज और सर्गे बिन ने अपने सर्च इंजन का नाम सबसे पहले बैकरब रखा था, जिसे 1997 में उन्हीं के एक दोस्त सीन के सुझाव पर बदलकर गूगल रखा। यह गूगल शब्द वास्तव में गूगल शब्द की एक वर्तनी गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक, और गूगल शब्द वास्तव में कहीं न कहीं गूगल प्लेक्स शब्द से लिया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गणित में, मैथमेटिक्स में, गूगल प्लेक्स शब्द का तात्पर्य 10 की घात गूगल होता है और गूगल का तात्पर्य 10 की घात 100 होता है, अर्थात 10^100। हमारा अगला सवाल है, किसी भी डोमेन नेम जैसे कि www.yahoo.com में याहू या जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्राइमरी डोमेन नेम, सेकेंडरी डोमेन नेम या वेबसाइट का नाम। समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है सेकेंडरी डोमेन नेम। किसी भी डोमेन नेम जैसे www.yahoo.com में आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सर्वप्रथम .com, जिसे प्राइमरी डोमेन या टॉप लेवल डोमेन हम कहते हैं, कई बार हम इसे एक्सटेंशन भी कहते हैं। कुछ प्राइमरी डोमेन्स के बारे में हम आपको बता दें, जैसे .org अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, .net अर्थात नेटवर्क, .gov अर्थात गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री के लिए होता है। आजकल देशों के भी नाम पर एक्सटेंशन या प्राइमरी डोमेन हो रहे हैं, जैसे .in इंडिया के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। यहाँ याहू को सेकेंडरी डोमेन या सेकेंड लेवल डोमेन कहते हैं, अर्थात जो बीच का नाम होता है वह सेकेंड लेवल डोमेन कहलाता है, जो वास्तव में आपकी वेबसाइट का ही नाम होता है, और www सब डोमेन के नाम से जाना जाता है। इसे हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती, यह ऑप्शनल होता है। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। एक हैकर को चीनी भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं क्रैकर, हॉन्कर या हॉकर। समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है हॉन्कर। जी हाँ, चाइनीज भाषा में हैकर को हॉन्कर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। MPEG या MPEG का पूरा नाम क्या है? आपने बहुत अच्छे से सुना होगा .MPEG के बारे में। हम आपको ऑप्शंस देते हैं, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मोशन पिक्चर एनहांसमेंट गाइडलाइन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर कोडिंग एक्सपर्ट ग्रुप या MPEG को जनवरी 1988 में किसी भी मूविंग पिक्चर्स या ऑडियो या उन दोनों के कॉम्बिनेशन के कोडेड रिप्रेजेंटेशन का एक स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए किया गया था। MPEG या MPG आमतौर पर किसी अन्य फॉर्मेट के कंपैरिजन में बेहतर क्वालिटी वीडियो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वीडियो फॉर विंडोज, इंडियो और क्विक। पूर्व में PC पर MPEG फाइलों को प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर डिकोडर की जरूरत पड़ती थी, परंतु आज
आजकल पीसी में सॉफ्टवेयर्स पहले से अवेलेबल होते हैं, जैसे रियल नेटवर्क, क्विक टाइम या विंडो मीडिया प्लेयर, जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट एमपेग फाइलें रेडी कर सकते हैं या पिक्चर या ऑडियो के कॉम्बिनेशन को कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने हाईटेक अपराधों का पता लगाने के लिए देश का पहला कंप्यूटर अपराध सेल स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। पूर्व गृह मंत्री श्री एम मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगस्त 2001 को देश के सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया था। 2018 एक आंकड़ों के अनुसार सन 2018 में बेंगलुरु में साइबर क्राइम के मामलों की सबसे अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी। इनकी कुल संख्या 5080 थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, बहुत सारे ग्राफिक और एनिमेशन के साथ डिजाइन की गई एक वेबसाइट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको देते हैं, रास्टर बैटर, कॉर्निया गंबो या आई कैंडी। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कॉर्निया गंबो। आईटी में कॉर्निया गंबो का तात्पर्य एक ऐसे वेब पेज से होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में वीडियोस होती हैं या कलर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं या अलग अलग डिफरेंट इमेजेस या शेप्स हो सकती हैं। इसका पर्पस ये होता है कि यूजर आपके वेब पेज में जाके कंफ्यूज हो सके। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से हम दो इमेजेस के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें हम इस प्रकार की वेबसाइट अर्थात कॉर्निया गंबो में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। गूगल का लोगो किसने डिजाइन किया है? यदि आपको जानकारी है तो प्लीज इसके उत्तर को कमेंट करें। हम आपको ऑप्शंस देते हैं, लैरी पेज, रूट केदार या रॉब जेनोफ। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है रूट केदार। गूगल की जब हम बात करते हैं तो जब इसके लोगो के बारे में बात होती है तो इसके लोगो को मुख्यतः दो बार डिजाइन किया गया था। पहली बार 1996 में जब इस गूगल का नाम बैकरप हुआ करता था, उस समय सर्वप्रथम इसके लोगो को डिजाइन लैरी पेज ने किया था जिसमें एक हैंड का सिंबल हुआ करता था। लेकिन वास्तव में जो आज के समय में आप गूगल का लोगो देखते हैं, 1998 में इसका निर्माण हुआ था और इसको निर्माण करने वाली महिला रूट केदार थी जो कि गूगल की टीम की एक मेंबर थी। गूगल का लोगो आप देखते हैं मल्टी कलर्स में होता है। वास्तव में इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया में किसी भी स्थान पर लोग गूगल को आसानी से स्वीकार कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें और रिकॉग्नाइज कर सकें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सी ऑनलाइन कंपनी यह दावा करती है कि उसके नाम में मौजूद ए का मतलब एनीथिंग या कुछ भी है? ऑप्शंस है अमेजन, अल्टा विस्ता या आरजू। समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है अमेजन। जी हाँ, अमेजन के ए का तात्पर्य एनीथिंग होता है। और आते हैं आज के अंतिम सवाल पर जो कि काफी रोचक है। 1980 में नोकिया ने किस नाम से पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर की एक सीरीज या श्रृंखला पेश की थी? हम आपको ऑप्शंस देते हैं, नोकिया पीसी, माइक्रोमिको या नोकिया कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है माइक्रोमिको। जी हाँ, माइक्रोमिको नोकिया पीसी द्वारा निर्मित कंप्यूटर्स रहे हैं। नोकिया कॉरपोरेशन के डिवीजन नोकिया डेटा ने 1981 में इसका निर्माण किया था जो कि आईबीएम के पीसी के आने से ठीक 6 महीने पहले आया था। लेकिन फिनलैंड में 1990 में आर्थिक मंदी की वजह से नोकिया को बहुत सारे डिवीजन को अपने क्लोज करना पड़ा। उनमें से उनका कंप्यूटर का डिवीजन भी एक था जिसकी वजह से नोकिया कंप्यूटर्स बंद हो गए और नोकिया ने अपना पूरा ध्यान टेली कम्युनिकेशन की ओर दिया। यहाँ पर एक बात और आपके जानकारी के लिए दे दें कि मिक्को वास्तव में फिनिश भाषा अर्थात फिनलैंड की जो भाषा है वहां पर इसका तात्पर्य माइकल होता है जो कि फिनलैंड में पुरुषों के नाम पर आधारित। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ कंप्यूटर के इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस जो हो सकता है आपके लिए आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे और बेहतर जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो आज के वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार नए जनरल नॉलेज नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।